बॉडी को ही आप रीअप्लाई भी करो तो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्किन केयर रूटीन, और आप कह सकते हो कि मेरा विंटर स्किन केयर। सो विंटर्स जो है आ ही चुके हैं, स्टार्ट ही हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पे स्टार्ट हो चुके हैं और बाकियों पे बस आने वाली है सर्दियाँ। तो सर्दियों में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, और मेरी तो एटलीस्ट हो ही जाती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, और स्किन को जो है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। सो हमारी स्किन को और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और मैं आपसे अपना ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन जो है शेयर कर रही हूँ। AM PM दोनों ही रहेगा, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मैं करती हूँ फेस वॉश, और फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करती हूँ सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश, 100% सोप फ्री। और ये जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, आप देख सकते हैं, दो और पता नहीं कितनी पैकेजिंग मैंने फेंक दी है, तीन है मेरे पास, एक अभी फुल पड़ा है और ये दोनों खाली हो गई। ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म है ऑलमोस्ट, और ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका है। सो आप समझ सकते हैं इसी से कि मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट हो चुका है। मैं ऑलमोस्ट इसे 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, और इसके लेने के बाद मैंने किसी भी दूसरे फेस वॉश की तरफ देखा भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत सही वर्क करता है मेरे लिए। ये काफ़ी जेंटल है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है और ड्राई स्किन भी है तो भी आपकी स्किन को प्रॉपरली क्लीन करता है, कोई भी यू नो ब्रेकआउट या ऐसा मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं तो मेरी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती थी किसी भी यू नो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और वो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा तो यू नो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत सही वर्क कर रहा है मेरे लिए। तो अगर आप भी कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं सो जस्ट बाय दिस वन। नेक्स्ट, मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद हमें जो है स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है। फेस वॉश जेंटल है, सही है, तो आपको टोनर की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, जो मेरा पर्सनल थॉट है। सो नेक्स्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये सिंपल का मॉइस्चराइज़र, यू कैन सी, और ये ख़त्म हो चुका है, खाली है। एंड ये जो है ये मैं अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ, इसकी तो हालत देख के आप समझ जाओगे। तो ये सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र है, 12 आवर तक मॉइस्चराइज रखता है आपकी स्किन को, और 125 ml की पैकेजिंग आपको मिल जाती है 465 rupees की, बट अमेज़ॉन पे हमेशा डिस्काउंट होता है तो 300-350 के बीच में ईजिली मिल जाता है। सो ये जो मॉइस्चराइज़र है लाइक मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपको थोड़ा सा यू नो पी साइज या उससे ज़्यादा, विंटर्स में मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप समर्स में भी मैं यही यूज़ करती हूँ, तो आपको लेना है पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई करना। स्किन आपकी काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज रहती है और बहुत सही रहता है, लाइक कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आप अफोर्डेबल में कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हो सो जस्ट कंसीडर दिस वन। ये बट हाँ, मॉर्निंग में मैं लगाती हूँ तो शाम तक मेरी स्किन मॉइस्चराइज ही रहती है, मुझे बहुत ऐसे सही फील होता है, बिल्कुल भी ऐसे ड्राई और ऐसे नहीं होता विंटर्स में। सो अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो यू कैन बाय दिस वन। सो नेक्स्ट है, मॉइस्चराइज़र के बाद हमें अप्लाई करनी होती है सनस्क्रीन मॉर्निंग में, नो मैटर व्हाट गाइस, प्लीज़ प्लीज़। सनस्क्रीन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बाहर जा रहे हैं घर के तो भी, नहीं जा रहे हैं तो भी, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। और मैं यूज़ करती हूँ वाओ का ये सनस्क्रीन मैट फिनिश में, SPF 55 है इसमें, और लाइक मुझे ये काफ़ी सही लगता है, लाइक मैं 1-2 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ दो आप देख सकते हो, दो बॉटल ये खाली है, ये मैं अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसके अलावा आपको मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन मिल जाएंगी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं डेफिनेटली ये वाला कंसिडर करूँगी, क्योंकि ये मेरी स्किन पर बहुत सही वर्क कर रहा है। एक तो ये मैट होता है, सेकेंडली ये लाइक वाइट कास्ट नहीं देता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है। हाँ, आपकी स्किन पर एक थोड़ा सा ब्राइटनेस फील होगी बट वाइट कास्ट नहीं होता। मैंने अभी भी करंटली अप्लाई किया, उसके ऊपर मैंने मेकअप कर रखा है, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ, तो कोई वाइट कास्ट नहीं होता। लाइक SPF 55 है तो काफ़ी टाइम तक यू नो आप 2-3 घंटे टेंशन फ्री हो, आप रीअप्लाई भी करो तो सही रहता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो रीअप्लाई डेफिनेटली करना। मैं सुबह लगा लेती हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में, और उसके बाद मैं नहीं लगाती लाइक ऑनेस्टली, क्योंकि मैं मोस्टली जो है घर पर ही रहती हूँ। हाँ, बाहर जाती हूँ तो कॉम्पैक्ट पाउडर वो सब टचअप कर लेती हूँ, बट तो अगर आप कोई अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं या अगर आप स्किन केयर करते हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, तो मॉर्निंग टाइम में आपको सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं PM यानी कि शाम का, रात का जो स्किन केयर रूटीन होता है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए।
सो सबसे पहले तो मैंने अगर मैंने मेकअप अप्लाई किया, लाइक मैं बाहर गई हूँ और मैंने कुछ भी लगाया, मस्कारा, काजल, ये वो, तो मैं यूज़ करती हूँ माइसेलर वाटर, और ये गार्नियर का माइसेलर वाटर है. एंड आई डोंट थिंक कि इसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. ये ऑयल विदाउट ऑयल वाला है, ये ऑयल इन्फ्यूज़्ड है. और मैंने इतनी बॉटल ख़त्म की है ना इनकी कि मैं मुझे खुद भी नहीं पता. सो आपको सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करना है, उसके लिए आप माइसेलर वाटर यूज़ कर सकते हो, क्लिनजिंग बाम यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, आपको जो सही लगे वो करो. तो जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं इससे क्लीन करती हूँ, देन फेस वॉश करती हूँ. अगर मैंने मेकअप नहीं किया हुआ तो सनस्क्रीन तो हमने अप्लाई किया, तो सनस्क्रीन जो होती है ना नॉर्मल फेस वॉश से निकलती नहीं है कई बार. सो उस केस में मैं क्या करती हूँ, सो इन दैट केस मैं अप्लाई करती हूँ क्लिनजिंग मिल्क. तो मैं अभी करंटली वादी का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ. बड़ी बॉटल मैंने मंगा ली और उसे मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर रखा है. ये भी मॉइस्चराइजर की बॉटल ही खाली हो गई थी तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया. मैं वादी का हर्बल है, वादी हर्बल्स का जो क्लिनजिंग मिल्क है, मैं उससे सिंपली फेस पे एक मिनट तक मसाज करती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से जो है साफ कर लेती हूँ, देन उसके बाद फेस वॉश यूज़ करती हूँ रात को, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगाई होती है. तो सनस्क्रीन जो है सिर्फ फेस वॉश से क्लीन नहीं होती, अगर आप नहीं उसे अच्छे से क्लीन करोगे डबल क्लिनजिंग से, तो वो आपके फेस पे यू नो सनस्क्रीन की वजह से, या वैसे भी वाइट हेड हो सकते हैं, ब्लैक हेड हो सकते हैं, साथ ही यू नो ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है, पिंपल हो सकता है, तो वो सब मुझे नहीं चाहिए. इसलिए मैं पहले क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ, देन मैं अगेन अपना वही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. उसके बाद नाइट टाइम में अगर आप चाहें तो सिरम यूज़ कर सकते हैं. मैं नहीं कर रही, अभी करंटली नहीं यूज़ कर रही, हाँ थोड़े दिनों पहले तक यूज़ कर रही थी बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ. तो और उसके बाद मैं सिंपली जो है अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, मॉइस्चराइजर जो है अगेन सिंपल का. और इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ एक लिप बाम. आप कोई भी अपनी पसंद का लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं. अभी तो मैं वैसलीन लगा रही हूँ क्योंकि तुम वैसलीन लगा सकते हो अगर आपको कोई अच्छा लिप बाम नहीं मिल रहा या आप लेना नहीं चाहते, तो एक थिक लेयर जो है आपको लगा के सो जाना है. एंड हाँ, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर आप चाहें तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ मेंशन कर दूंगी, यू कैन गो एंड फॉलो देयर. एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. सो बाय बाय, टेक केयर.